दिस विल बी लेक्चर नंबर 6 फॉर मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर का। लास्ट क्लास में हमने पर यूनिट सिस्टम और रेफरेंस ऑफ पैरामीटर कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको। तो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते बहुत कम हैं। तो आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई होती है 94, 95, 96%। तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉसेस बहुत कम हैं। वो जो लॉसेस हैं उनको भी अगर आप कैटेगराइज करें कि कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, तो चार तरह के ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं टोटल। ठीक, मेनली में अगर आप पॉइंट्स या पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो एस कंपेयर्ड टू अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स देयर आर वेरी लेस लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। मशीन में उसमें लॉसेस बाकी सबसे बहुत कम होते हैं। ठीक, फर्दर अगर हम इसमें क्लासिफाई करें तो डिपेंडिंग ऑन ऑकरेंस the transformer losses can be classified into occurrence, मतलब जहां जहां पे लॉस होता है उसके बेस पे हमें इसको क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेस पे। पहला है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ होगा? कॉपर लॉस इट इज कॉपर से वाइंडिंग बनाते हैं हम। हाँ, वाइंडिंग आर्मेचर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है, इट इज वाइंडिंग ओनली। कॉपर से हम लोग जो वाइंडिंग करते ट्रांसफॉर्मर की, वाइंडिंग में रेजिस्टिव लॉस होता है, स्क्रैप लॉस। तो कॉपर मटेरियल में जो लॉस हो रहा है वो कॉपर लॉस है। आयरन लॉस, आयरन से क्या बना होता है? कोर। और आयरन लॉस को आप कोर लॉस भी कहते हैं। जो आयरन या कोर मटेरियल में जो पावर लॉस होगा उसको हम कॉपर लॉस, सॉरी कोर लॉस या आयरन लॉस कहेंगे। थर्ड वन इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक से क्या बना होता है? डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ पे यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग और कोर के बीच में, या वाइंडिंग वाइंडिंग के बीच में। मेनली इट इज ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ये इंसुलेटर भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे फ्लो करती है। कुछ बुक्स में इसका कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले वगैरह दिखाए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, अच्छी बुक्स में आपको नहीं मिलता है। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप निकाल सकते हैं जा कर के ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हर केस में अलग अलग लॉस मिलता है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इनका पॉसिबल नहीं होता है। तो डायलेक्ट्रिक लॉस डायलेक्ट्रिक में होता है, उसके अलावा एक लास्ट लॉस है स्ट्रे लोड लॉस। अब थ्योरी को समझिएगा, ट्रांसफार्मर में लॉसेस ऑलरेडी बहुत कम है, और जो कम है उनको भी चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो ये इंडिविजुअली और बहुत कम होंगे। ठीक, इसमें से ये दोनों जो है ना ये माइनर लॉसेस, इतने कम होते हैं कि कैलकुलेशन किया ही नहीं जाता है इनको, इनको कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। अब देखिए कभी भी जब आप ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस और स्ट्रे लोड लॉस नहीं आता है।
इतने कम होते हैं कि इनको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता। ये दोनों जो ट्रांसफार्मर के स्मॉल लॉसेस में से मेजर सेक्शन इनका होता है, ये मेजर लॉसेस। ठीक, इनको आप स्टडी भी करते हैं, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व भी करते हैं। थ्री और फोर को आप केवल स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ठीक, अब एक एक करके इन चारों लॉसेस को देखना है। फर्स्ट वन इज कॉपर लॉस। ठीक, कॉपर लॉस कॉपर में होगा, कॉपर से वाइंडिंग बनी होती हैं, मतलब कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स में होगा, वाइंडिंग्स में करंट फ्लो करती हैं, मतलब कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से होगा, दैट इज रेजिस्टिव लॉस ओनली। जो करंट की वजह से जो लॉस होता है वो आईस पर आर लॉस या रेजिस्टिव लॉस ही होता है। तो कॉपर लॉस में क्या है कि इट इज द रेजिस्टिव लॉस अकरिंग इन वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रेजिस्टिव लॉस है कहाँ पे होता है, जो वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, दैट इज हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना लॉस होगा, आई वन स्क्वायर आर वन, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना लॉस होगा, आई टू स्क्वायर आर टू, लिख सकते हैं ऐसा। देयरफॉर टोटल कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज PC से दिखाते हैं, इट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। नाउ ये एक फॉर्मूला हो गया कॉपर लॉस निकालने का। अगर आप दोनों जगह पे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, I1 स्क्वायर R1 प्लस I1 स्क्वायर R2 डैश लिख दिया इसको। आपने देखा था रेफरेंस ऑफ पैरामीटर में उसकी और उसकी वैल्यू सेम थी। I1 स्क्वायर कॉमन, PCU इज I1 स्क्वायर R1 प्लस R2 डैश कितना होता है, R01। सिमिलरली आप चाहें तो सबको सेकेंडरी साइड पे भी शिफ्ट कर दें, सिमिलरली दिस PCU can also be written as I2 square R02। जब आप R2 को रहने देंगे, R1 को शिफ्ट करेंगे I2 square R1 dash के फॉर्म में। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आए। कितने लोग हैं क्लास में, बहुत कम है स्टूडेंट, क्या बात है, चलिए ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी देखिए, ट्रांसफार्मर में हमारे पास कोर है, हमारे पास वाइंडिंग है, वाइंडिंग को सप्लाई दिया वी वन, लोड नहीं लगा है तो आई टू की वैल्यू जीरो। अब जैसा आप लोड लगाएंगे वैसा ही आई टू फ्लो करेगा, एक्चुअल में आई टू ही लोड को रिप्रेजेंट करता है, चेंज होता रहता है लोड, आई टू चेंज होता रहता है। ठीक, आई टू कॉन्स्टेंट रहेगा ट्रांसफार्मर में, क्रिटिकल केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लें या पावर ट्रांसफार्मर लें, क्या आई टू कॉन्स्टेंट रहता है, नहीं। आप देख सकते हैं कॉपर लॉस इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू लोड, सिंस मोस्ट ऑफ द केसेस
लोड इज नेवर कॉन्स्टेंट ऑन ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट एंड देयर फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर. आप पे आप नोट लिख सकते हैं, सिंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज नॉट कॉन्स्टेंट, therefore copper loss of transformer also not constant, hence इस copper losses को transformer का variable loss भी कहा जाता है. moon night PCU is also known as variable loss of transformer. ये लगभग हमेशा variable लेता है transformer में. ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक problem और है. जैसे प्रैक्टिकल बिहेवियर या ह्यूमन नेचर भी थोड़ा सा यहाँ सिग्निफिकेंस रखता है. आप जैसे सपोज करिए मार्केट में बाइक लेने जाते हैं, ठीक, बाइक लेने जाते हैं तो उसके बाइक के बारे में पूछते होंगे आप मार्केट में शॉपकीपर से, या शोरूम में जा रहे शोरूम वाले से आप पूछते हैं ना बाइक के बारे में कि कौन सी बाइक है, इसमें क्या क्या फीचर है, ऐसा पूछते हैं ना. Yes, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स में से एक फीचर होता है माइलेज. बाइक का माइलेज, बाइक का एवरेज कितना है, ये पूछा जाता है वहां पे. तो क्या कंपनी वाले आपको बताते हैं माइलेज? जी बताते हैं सर माइलेज. आपके पास कोई बाइक है? जी सर. कौन सी बाइक है? पल्सर NS. पल्सर का माइलेज कितना है? सर 40-50 होगा सर. 40 बता दिया आपने मुझे, 50 तो नहीं होगा वो भी ईटानगर में. मेरे पास भी पल्सर है, वो तो 35 के ऊपर ही नहीं देती, वो भी प्लेन एरिया में. माइलेज आपने बोला मान लीजिए 40, मैं मतलब उस पर पल्सर की प्रॉपर्टी पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नेचर पे जाना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है. कैसे आप बोल सकते हैं कि किसी बाइक का माइलेज 40 है? मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, एक घंटे तक आपने बाइक बंद नहीं की, आपके बाइक का पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपकी बाइक ने तो 0 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया. क्या माइलेज सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करेगा? मान लीजिए बाइक से आप अपहिल जा रहे हैं, एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और ये पूरा रास्ता 20-30-40 किलोमीटर का अपहिल है, कोई डाउनहिल है ही नहीं, तो क्या आपको 40 का एवरेज मिलेगा? मुश्किल है, 20 का एवरेज भी मिल जाए बहुत. तो फिर कैसे बोला आपने कि 40 या इतना, या कंपनी कैसे बोलती है कि आप बाइक लेके जाइए इसका माइलेज 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है? कंपनी जो बताती है, कंपनी जो बताती है वो मैक्सिमम माइलेज होता है. ठीक, स्टेबल कंडीशन है, मतलब बाइक को रोड पे चलाते ही नहीं है, बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, ठीक, और एक रबर के प्लेटफॉर्म पे पहिया स्टेबल करके एक्सीलेटर लेते रहते हैं मिनिमम जो उनका मैक्सिमम एवरेज के लिए चाहिए, 40 या 50 का जो भी स्पीड पे मैक्सिमम एवरेज मिलता है उस स्पीड पे बाइक को चलाया जाता है, ट्रेडमिल पे मानिए एक तरह से. वहाँ पे जो एवरेज मिलता है कंपनी उस एवरेज को क्लेम करती है
कि मेरे बाइक का इतना किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आया है, ये इस बाइक का माइलेज है। ठीक, सारे सिचुएशन में वही माइलेज तो मिलेगा नहीं, फिर भी रेफरेंस के लिए आप एक सिचुएशन का माइलेज जानना चाहते हैं। ठीक वैसा ही ट्रांसफार्मर कोर के साथ, ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस के साथ। एक्चुअल में देखें तो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस कांस्टेंट नहीं है, लोड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे लोड जब बदल रहा है, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस भी बदल रहा है। ठीक, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस चेंज हो रहा है, लेकिन आप फिर भी जब ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे ना, तो आप ट्रांसफार्मर की कंपनी वाले से पूछेंगे कि भाई इसका कॉपर लॉस कितना है इसमें, और उसको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएगा वो, तो आप हो सकता है कि ट्रांसफार्मर ले ही ना। आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है और हाईली वेरिएबल है विथ लोड। ठीक, लोड बदलने से कॉपर लॉस बदलता है, लेकिन फिर भी जब आप मार्केट में ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे किसी से, तो आप उससे पूछते हैं कि इसके लॉसेस कितने हैं इसमें, इसकी इफिशियंसी क्या है, ताकि आप उसको अच्छे ट्रांसफार्मर को लाके अपने घर में लगा सकें। अगर कोई लॉसेस या इफिशियंसी नहीं बताता है अपने ट्रांसफार्मर की, तो उसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो कंपैरिजन के लिए आपको ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस बताना होता है। ठीक, तो कंपैरिजन के लिए या रेफरेंस के लिए ट्रांसफार्मर पे उसका कॉपर लॉस या उसके लॉसेस लिखे होते हैं या एफिशिएंसी लिखी होती है। वो जो लिखा होता है, इट इज फॉर रेटेड करंट या रेटेड लोड। मैक्सिमम लोड पे जो कॉपर लॉस मिलता है, रेफरेंस के लिए उसकी वैल्यू को दिखाया जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यस या नो में कुछ रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। नाउ PCU is highly variable with load, but for reference or for comparison, रेफरेंस के लिए या कंपैरिजन के लिए, बट फॉर रेफरेंस और फॉर कंपैरिजन, कॉपर लॉस एट रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब मैक्सिमम लोड भी हुआ, रेटेड लोड या रेटेड करंट बोलिए, दोनों एक ही बात है। रेटेड लोड इज रिप्रेजेंटेड विथ नेम प्लेट रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग के ऊपर या ट्रांसफार्मर के डिब्बे के ऊपर आप लिखा हुआ पाए अगर कि इसमें इतना कॉपर लॉस है, तो वो कॉपर लॉस कौन सा कॉपर लॉस होगा? रेटेड लोड पे होने वाला कॉपर लॉस, वो जबकि मैक्सिमम कॉपर लॉस भी होता है। ठीक, आप देख सकते, पीसीयू का मतलब क्या हुआ? इट इज रेटेड कॉपर लॉस, या फिर कॉपर लॉस एट रेटेड लोड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, नाउ इफ लोड इज चेंज्ड, लोड को जनरली करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेकेंडरी साइड की करंट ही लोड है। मतलब आई लोड कौन सा है? आई टू का मतलब लोड है हमारे लिए। लोड की वैल्यू चेंज की जाती है, अगर मतलब आई टू इज चेंज्ड टू एक्स आई टू, जहां पे आई टू क्या है? रेटेड लोड, रेटेड लोड करंट, एंड एक्स आई टू क्या हो गया? फ्रैक्शनल लोड करंट, और एक्स क्या है?
फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट। ठीक, एक्स की वैल्यू हमेशा वन से कम होगी अगर ट्रांसफार्मर को आपको जीवित रखना है। रेटेड लोड से ऊपर लोड देने का मतलब ट्रांसफार्मर को जला देना, वाइंडिंग जलने के उसमें आ जाती है जोन में, या बर्न होने के चांसेस रहते हैं। रेटेड से ऊपर लोड आप नहीं दे सकते। ठीक, इट इज फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट एंड एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। 50% लोड का मतलब x is equal to 0.5, 75% लोड का मतलब x is equal to 0.75 या 3/4 जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहें, 25% लोड का मतलब x is equal to 0.25। Now, if PCU is rated copper loss, then PCU will be equal to I2 square R02. And if load is X times, एक्स जो फ्रैक्शन है यहाँ पे आपने दिखाया, एक्स वैल्यू कैसे कैसे लेते हैं, लोड अगर एक्स टाइम्स है तो पीसीयू डैश और एक्स लोड विल बी इक्वल टू एक्स I2 का होल स्क्वायर R02, पीसीयू डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर R02, पीसीयू डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर I2 square R02 is nothing but PCU. तो आप लोड को x टाइम्स करेंगे ना तो आपका कॉपर लॉस x square टाइम्स हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं कॉपर लॉस के लिए। एग्जांपल में इफ रेटेड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 220 वाट, 220 वाट है, देन व्हाट विल बी इट्स कॉपर लॉस एट 80% ऑफ लोड। चला जल्दी आंसर बताइए इसका। आंसर है 140.8 वाट। किसी को इस आंसर में प्रॉब्लम हो तो प्लीज तुरंत बोलिए, आगे चले हम लोग, नहीं तो मेरे ख्याल से इजी है, हो गया होगा सबसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं है तो ना बोलने से। चलिए ठीक, नाउ हम लोग आगे चलते हैं। इसमें दूसरा लॉस है हमारे पास आयरन लॉस, सेकेंड लॉस इज आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। आयरन लॉस को आप कोर लॉस भी कहते हैं क्योंकि आयरन लॉस
आयरन में होता है, कोर से बना होता है आयरन, आयरन सॉरी कोर आयरन से बना होता है, कोर लॉस भी कह सकते हैं इसको. इज ऑल्सो नोन एज कोर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्म. ठीक, अब ये होता क्यों है? इट ऑकर्स ड्यू टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रेजेंट इन आयरन कोर. पहला वाला लॉस करंट की वजह से था, कॉपर लॉस. आयरन वाला लॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है. ठीक, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन कोर में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से आयरन लॉस होता है. ठीक, अब इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग जो फील्ड है वो इसमें क्या क्या इफेक्ट डालता है? इफेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक, मैं पहला इफेक्ट मिलता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, दूसरा इफेक्ट मिलता है एडी करंट लॉस या एडी करंट्स, और तीसरा इफेक्ट मिलता है हिस्टेरेसिस. ठीक, अब ये तीनों को एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन? ये एक मैकेनिकल फिनोमिना है. हालांकि इससे भी लॉस होता है, लेकिन अगेन इतना कम है कि उस लॉस को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है. जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का कोर है, और नो लोड कंडीशन का एग्जांपल लें तो एक ही वाइंडिंग से हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. यह है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इसको आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दी है और ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है. फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो सेकेंड हाफ साइकिल में इधर साउथ इधर नॉर्थ होगा. मैग्नेटाइजेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है तो उसका शेप स्लाइटली चेंज होता है. तो कहते हैं कि स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है. ये कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन या कौन सा स्ट्रेस है? कोई नाम बता सकता है? सर क्या क्वेश्चन फिर से? सर क्लियर नहीं था. जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसका शेप स्लाइटली चेंज होता है. शेप चेंज करने के लिए आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है और उससे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. ये कौन सा स्ट्रेस या स्ट्रेन है? आपने पढ़ा होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस. ये शियर स्ट्रेन है, मतलब वॉल्यूम लेंथ बाकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, केवल शेप चेंज होता है मटेरियल का. ना लेंथ चेंज होगा, ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा. वॉल्यूम भी सेम रहेगा, शेप भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब केवल डिफॉर्म होता है थोड़ा सा मटेरियल, इसको शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन कहते हैं. ये इलास्टिक लिमिट के अंदर भी होता है. तो इस वजह से होता क्या है, एक बार ये ग्रीन वाला लाइन देखिए, इधर की तरफ आया, एक बार इधर की तरफ आया, एक बार इधर की तरफ मैग्नेटाइज हुआ है, एक बार इधर की तरफ मैग्नेटाइज हुआ, तो कोर का जो शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. एक सेकेंड में 50 पॉजिटिव साइकिल, 50 नेगेटिव साइकिल, तो 100 बार चेंज होगा एक सेकेंड में. तो इससे मतलब पता चलता है कि कोर कंटिन्यूस वाइब्रेशन में रहता है, इससे कोर में हम नॉइज प्रोड्यूस होता है.
वाइब्रेशन से थोड़ा बहुत मैकेनिकल लॉस आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतना स्मॉल है कि कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. बस इट हैज टू बी मैकेनिकली स्ट्रांग ताकि ये इस वाइब्रेशन को बियर कर सके. तो पहला प्रॉपर्टी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है. ये होता क्या है? इट इज अ मैकेनिकल फिनोमेना. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक मैकेनिकल फिनोमेना. किस टाइप का फिनोमेना? व्हेन कोर इज मैग्नेटाइज्ड, इट्स शेप इज स्लाइटली चेंज्ड. इसका शेप जो है स्लाइटली चेंज होता है. And on continuous reversal of magnetization, it appears to be in continuous vibration. एक कोर जो है कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में रहता है. देयर इज सम लॉस बाय कन्वर्जन इन काइनेटिक एनर्जी, बट इट इज वेरी स्मॉल. ये हमने इंक्लूड किया है अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में लॉस होता है कि नहीं. तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में लॉस होता है, पावर लॉस होता है. ठीक. और ये भी जो प्रॉपर्टी है ये कोर लॉस के अंदर ही आएगी. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में लॉस होता है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा. ठीक. और ये लॉस कोर लॉस होगा कि कॉपर लॉस होगा? ये कोर लॉस होगा. ठीक. हालांकि बुक्स में या कहीं भी इस तरह का मेंशन नहीं, दिखाते नहीं है इसको. दिखाते इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी इतना स्मॉल है कि इसको कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाता है. फिर भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं आप ये कहाँ से पाए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कोर लॉस में ही आता है. मैंने अभी तक किसी बुक में देखा नहीं है इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन जिसने पूछा था क्लास में है क्या? एक्चुअली मैंने नंबर से आपका सेव कर रखा है, नाम नहीं पता है. नहीं है? चलिए आगे चलते. इट्स वेरी स्मॉल, तो इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे. लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, या आप इस पे ध्यान नहीं देंगे. इसको लॉसेस में काउंट नहीं करते हैं, बट लेकिन स्ट्रेंथ में काउंट करना पड़ता है. ड्यू टू दिस कोर इज इन continuous vibration and a hum sound, humming sound, ऐसा आप हम बोले, हम इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है. हम साउंड या हम नॉइज भी बोल सकते हैं. हम साउंड इज इन ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफार्मर के पास जाने पे जो ट्रांसफार्मर से नॉइज या साउंड सुनाई देता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो ट्रांसफार्मर कोर प्रोड्यूस होता है, वाइंडिंग में नहीं. ठीक. अच्छा, ये बात तो भी रेडी है कि कोर वाइब्रेट करेगा तो वाइंडिंग भी वाइब्रेट करेगी, लेकिन वाइब्रेशन कोर का हो रहा है, तो कोर से वाइब्रेशन या नॉइज प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर एंड इट्स
मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड बी हाई, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए बियर या टू विदस्टैंड दिस वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन को विदस्टैंड करने के लिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए. दूसरा इफेक्ट है एडी करंट लॉस. एडी करंट्स या एडी करंट लॉस. अब देखिए, हमने कहा कि यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स कोर से पास करेगा. आप अगर देखें इस कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया को फ्लक्स नॉर्मली कट कर रहा है. कंडक्टर को अगर फ्लक्स कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि नॉर्मल होगा, इधर प्लस इधर माइनस. तो एक सर्कुलेटिंग करंट मिलेगी और ऐसी ही बहुत सारी लोकलाइज्ड करंट ट्रांसफार्मर कोर के अंदर मिलने लगती है. इनका पाथ आप नहीं बता सकते कहां पे किधर है, इसीलिए इनको लोकलाइज्ड करंट कहा जाता है. कोर बड़ा सा है, बड़े से कोर में उसका ये सेक्शन हुआ, इसमें सार सेक्शन में छोटे छोटे हर जगह पे लोकलाइज्ड करंट प्रोड्यूस होने लगती है. ये जो करंट्स है इनका पाथ आप ट्रेस नहीं कर सकते, बट इनका एग्जिस्टेंस फील हो सकता है. इस करंट के प्रोडक्शन से जो टेम्परेचर है कोर का वो बढ़ता है. एडी करंट्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो मटीरियल के अंदर फ्लो करती हैं, बाकी अल्टरनेटिंग करंट की तरह सरफेस पर फ्लो नहीं करती हैं. एडी करंट्स आर आल्सो अल्टरनेटिंग करंट, वो भी अल्टरनेटिंग करंट होती हैं, लेकिन वो फ्लो कहाँ करती हैं, थ्रू द क्रॉस मटीरियल के अंदर. बाकी आप पावर सिस्टम में भी आपने देखा स्किन इफेक्ट, कंडक्टर के सरफेस पे करंट फ्लो करता था अल्टरनेटिंग करंट. एडी करंट जो होती हैं वो ये सब लॉ फॉलो नहीं करती हैं, स्पेशल बिहेवियर होता है, मटेरियल के अंदर फ्लो करती हैं और अल्टरनेटिंग होती हैं, डायरेक्ट करंट नहीं होता है. ठीक, इनको आप लोकलाइज्ड करंट भी बोलते हैं. जब भी करंट फ्लो होगा कंडक्टर में आई स्क्वायर आर लॉस होगा. अब कॉपर की तरह अच्छा कंडक्टर आयरन नहीं है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आई स्क्वायर आर लॉस भी ज़्यादा होता है. लॉस ज़्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसफॉर्मर की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो एडी करंट्स को रिमूव करने का क्या तरीका है, ये कंडक्टर को आप पतले पतले शीट्स में डिवाइड करें, लेमिनेशन लगाएं, वापस से स्टैगरिंग करें इसका. ठीक, एक ही तरीका है कि आप लेमिनेशंस करें, कोर हैज टू बी लेमिनेटेड. बट स्टिल कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ा बहुत एडी करंट लॉस तब भी होगा. देखिए मैं बार बार इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को. प्रॉब्लम होती है तो फिर पूछेगा, कि दो तीन टॉपिक होने के बाद दो तीन टॉपिक पुराना वाला पूछेंगे तो थोड़ा समझाने में अजीब सा लगता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ है. तुरंत तुरंत प्रॉब्लम पूछने से तुरंत तुरंत सॉल्व करना आसान रहता है. आगे चलें प्लीज. यस अनु से सर, ईएमएफ जो सर मेटल बॉडी में सर इंड्यूस होता है ना, ऑलवेज ऑलवेज Always in metals. Metal बोलिए या conductor बोलिए. So, उसके exactly reason पूछने से. The change of alternating flux. वही बोलिए ना. Eddy currents are induced currents. Due to alternating flux. हाँ, अलग अलग position पे अलग अलग flux है, एक variation है. इसको non-uniform distribution of flux भी बोल सकते हैं, reason इसका. तो अलग अलग पॉइंट का ईएमएफ अलग अलग हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी, इस तरह से एडी करंट्स मिलती. अलग अलग पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट फ्लो करते, लोकलाइज्ड करंट भी कहते हैं इसीलिए इसको. नोट हो गया?
ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पढ़ा है ना, शायद बीटेक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो सकता है आप, वो क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये आप गेट और आईएएस में भी नहीं आता, ये लोकल एग्जाम्स में आता है, हम लोग पढ़ाते थे कभी कभी जेई वाई के लिए, जेई में ज्यादातर आता है यूटिलाइजेशन, यहाँ पे आपके तरफ में तो भी मेंशन नहीं था। इसमें चार पांच सेक्शन होते हैं, पहला होता है आपका लाइटिंग लोड, दूसरा सेक्शन था हीटिंग, तीसरा यूनिट था वेल्डिंग, चौथा था इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, और पांचवा था इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, पांच यूनिट हुआ करते थे इस सब्जेक्ट में, ठीक। तो जो सेकेंड सब्जेक्ट था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल प्रोडक्शन का मोर देन 60% कंजम्पशन इंडक्शन मोटर करते हैं दुनिया में, या हिंदुस्तान में जितनी बिजली पैदा की जाती है उसका 60% से ऊपर इंडक्शन मोटर कंज्यूम कर जाते हैं, आपके फैन से लेकर के इंडस्ट्री के बड़े बड़े मोटर्स, या आपका जो टुल्लू पंप नहीं होता पानी वाला मोटर, वो सब मिला विला करके इंडक्शन मोटर 60% से ऊपर लोड कंज्यूम करते हैं, और इसको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इंडक्शन मोटर मशीन या आपकी सब मशीन में पड़ चुके हैं। सेकेंड मेजर यूटिलाइजेशन जो होता है वो लाइटिंग लोड में होता है, रोशनी पैदा करने के लिए, तो उसमें तरह तरह के आपको लाइटिंग लोड्स पढ़ाए जाते हैं, शुरुआत होती है एल्वा एडिशन वाले बल्ब से, इसको आप इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं, फिलामेंट वाला। एक्चुअल में अगर आप लोग जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे ना देखें और बिजली बचाओ वाला हिसाब किताब ना करें, तो आज भी इनकैंडेसेंट लैम्प का जो लाइट है वो बेस्ट लाइट माना जाता है पढ़ने के लिए। आप लोग भी अब जॉब वाले उसमें आ जाएंगे, आपके घर में छोटे बच्चे या और भाई बहन अगर पढ़ने वाले हैं जो जिनको 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना होता है, तो उनके कमरे में कभी एलईडी मत लगाइएगा, एलईडी की लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, सारे वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे हम बोलते हैं 7 वेवलेंथ, सबसे अच्छी लाइट जो देखने के लिए होती है वो सनलाइट होती है, उससे अच्छा लाइट कोई नहीं है। और फिर अगर आप लाइट का रात में प्रोडक्शन करना ही चाहते हैं तो इनकैंडेसेंट लैम्प की लाइट अच्छी लाइट मानी जाती है, इसीलिए इतना कुछ आने के बाद भी अभी उस लैम्प का प्रोडक्शन या सेल बंद नहीं हुआ है, ना बंद कर सकता है कोई, क्वालिटी नहीं मिल पाएगी आपको वाली। सर एलईडी से क्या प्रॉब्लम होगा ना, आँख खराब हो जाएगी आपकी, पावर कम हो जाएगा, पावर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, वो आँख पे डिपेंड करता है, आपको मायोपिया होता है कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, विजन खराब होता है आपका, पावर कम हो रहा है लगता है, पावर आपके प्रॉब्लम आता है, और जो आप ऐसे सुनते होंगे ना आँखों से जो दिमाग की तरफ नसें जाती हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं पूरे बॉडी में, और आप जो उससे जो खेल करेंगे ना, जैसे मतलब डिस्टर्बेंस, अच्छी लाइट का यूज नहीं करेंगे तो दिमाग पे भी प्रेशर, इरिटेशन, सर में दर्द, काफी कुछ इफेक्ट हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइट शुड ऑलवेज बी गुड। सबसे खराब लाइट होती है सोडियम लैम्प की, सिंगल वेवलेंथ, केवल येलो लाइट प्रोड्यूस होती है वहां से, तो उसको हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमको कलर वगैरह से मतलब ना हो, हमको सामने से गाड़ी आ रही है दिख जाए बस वही काफी है, गाड़ी किस कलर की है उससे मतलब नहीं रहता है रात को बचने के लिए। तो वो सड़कों पे रात के समय सोडियम लैम्प यूज करते हैं, दूर तक लाइट भी जाती है, नहीं अच्छी क्वालिटी का लाइट अगर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के प्रॉपर्टीज की, सबसे अच्छी लाइट इनकैंडेसेंट लैम्प की होती है, फिर सीएफएल की होती है, सबसे खराब लाइट एलईडी की होती है, तो गवर्नमेंट कितना भी कहे एलईडी लगाओ एलईडी लगाओ, पढ़ने वाले बच्चों को एलईडी यूज नहीं करना चाहिए। सर तो आज जाके सर वही मुझे पुराना बल्ब ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना क्यों पड़ेगा, आपको हर मार्केट में मिलेगा वो, ना सर घर में तो पूरा एलईडी है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है ना जैसे जब आप प्रेशर देते हैं आंखों को, जैसे अभी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना,
पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या आप फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तो वो लाइट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आप जिसका जिसका मोबाइल पावर सेविंग मोड में है उसको पावर सेविंग मोड से हटा दीजिए। लाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब सफिशियंट होना चाहिए टिल फ्लिकर एंड ग्लेयर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। फ्लिकर और ग्लेयर प्रोड्यूस ना हो उस लिमिट तक आप लाइट को यूज कर सकते हैं। सर पहले बस्ती में सर वो से पड़ता था, लैंटर्न से पड़ता था सर। लालटेन का लाइट अब लेकिन वो भी बहुत अच्छी लाइट है, क्वालिटी इज नॉट, मतलब वो भी जरूरी होता है। इफ क्वांटिटी क्वांटिटी अगर कम भी है तो भी उस लाइट की क्वालिटी अच्छी होती है, आपको चश्मा नहीं लगेगा उस लाइट से। बट प्रॉब्लम वहां दूसरी हो जाती है, आप कम देर बैठ के नहीं पढ़ सकते लैंप से, आपको बाहर पढ़ना पड़ेगा। चले टॉपिक पे वापस आए, कहानी हो गई। एडी करेंट्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? इन मेटल्स और कंडक्टर्स। कब प्रोड्यूस होती हैं? जब मेटल से या कंडक्टर से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है। मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर से पास करता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। हर पॉइंट का ईएमएफ अलग अलग होता है और लोकलाइज्ड करंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल या कोर प्रोड्यूस होती है। वो इतनी ज़्यादा छोटी या करंट पाथ है उनका कि वो लोकलाइज करंट का पाथ बनाना पॉसिबल नहीं, बस उनको इमेजिन किया जा सकता है कि वो लोकलाइज करंट है, एग्जिस्ट कर रही हैं और इनसे लॉस हो रहा है। ठीक, अब ऐसा भी नहीं आप पूछें, कोई आपसे पूछे कि एमीटर को कहाँ लगाएं ऊपर करंट नापने के लिए, तो पाथ डिफाइंड नहीं है तो आप एमीटर से उस करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते तो आई स्क्वायर आर से फॉर्मूला वो पावर लॉस में नहीं निकल पाएगा, तो एडी करंट्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू दूसरे तरह से इसका पावर लॉस निकाला जाता है। ठीक, वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। तो एडी करंट्स जो है हमारे पास, दे आर प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर्स। हेडलाइन कर लीजिएगा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में एडी करंट कभी नहीं मिलेगा। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टाइम वेरिंग फील्ड पासेस थ्रू मेटल्स बोले या कंडक्टर्स बोले। जब टाइम वेरिंग फील्ड, अब टाइम वेरिंग फील्ड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हो अगर टाइम वेरिंग है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दोनों एग्जिस्ट करना पड़ता है। अब उस डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, बस यहाँ से आपको ये जानना है कि इनसे एडी करंट मिलता है। ड्यू टू सच फील्ड्स EMF of every point would be different and hence localized current would be formed across the cross sectional area। क्रॉस सेक्शन एरिया पे लोकलाइज करंट मिलती हैं। दीज करेंट्स आर नोन एज
एडी करंट्स, इन करंट्स को एडी करंट्स कहा जाता है। ठीक, अब इनसे होने वाला लॉस, अब क्योंकि देयर, देयर का स्पेलिंग अलग आएगा, पाथ इज नॉट डिफाइंड एंड दे कैन बी सेंस्ड ओनली बाय पावर लॉस। इनको केवल पावर लॉस से सेंस किया जा सकता है, ओनली बाय पावर लॉस। देयरफॉर दे कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनालिसिस। द एडी करंट लॉस, प्रैक्टिकल एनालिसिस बेस पे जो एडी करंट लॉस है वो आपको यहां से मिल सकता है। द एडी करंट लॉस आर कैलकुलेटेड एज, एडी करंट लॉस को हम डब्ल्यू ई से निकाल रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मिलती है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक है, ये कुछ कुछ बुक्स में वी है, कुछ कुछ बुक्स में वी नहीं है, क्यों नहीं है वो भी देखते। व्हाट इज के, के इज दोनों से कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉस। कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर, इट इज फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, टी इज थिकनेस ऑफ लैमिनेशन एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ कोर। कहीं कहीं इस यहां पे वी नहीं लिखा रहता है, अगर V नहीं लिखा है तो इस V को फिर K के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो डिपेंड करता है। एडी करंट लॉस वॉल्यूम ऑफ कोर पर डिपेंड करता है। सर थिकनेस में सर स्क्वायर नहीं था क्या, था ये थिकनेस ऑफ, हां मतलब थिकनेस में सर स्क्वायर नहीं था लगा था, उसमें सर स्क्वायर नहीं है सर, ये हिस्टेरिसिस में स्क्वायर नहीं है, इसमें है हिस्टेरिसिस में नहीं, हिस्टेरिसिस में तो टी ही नहीं है। सर तो फिर स्क्वायर आता नहीं कि नहीं आता नहीं सर जी, वो जो ना थिकनेस स्क्वायर, स्क्वायर है ना नहीं सर, स्क्वायर नहीं था लग रहा था, है 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 क्या सर है, एक मिनट रुकिए जरा मैं इनको रिप्लाई कर दूँ ग्रुप पे मैसेज।
एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए सर, थोड़ा वो बैक का दिखाने किसका पीछे ऊपर का थोड़ा सा बताइए कहाँ पर रुकना है। जस्ट ऊपर, हाँ बस वो ज्यादा हो होगी सर जी। सर ये लैमिनेशन को एडी करंट लॉस प्रिवेंट करने के लिए डाला जाता है, तो फिर ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लैमिनेशन कहते किसको है? तो बीच में स्लॉट इंसुलेशन, दैट इज इंसुलेशन। लैमिनेशन मेटल शीट को कहते हैं। सर मेटल शीट की अब देखिए लेमिनेशन में क्या होता है, मेटल शीट्स होती हैं ना, मेटल को शीट के फॉर्म में कट करते हैं, बीच में इंसुलेटिंग लेयर डालते हैं ना, यही होता है ना। मेटल शीट्स आर कॉल्ड लेमिनेशन, इनको लेमिनेशन कहते हैं। दीज आर इंसुलेशंस, कोर को लैमिनेट किया गया है, मतलब कोर को शीट्स में डिवाइड करके फिर ऐड किया गया है, प्रोसेस को लैमिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर में कोई पूछे तो मेटल शीट्स का मतलब लैमिनेशन होता है, और ये मेटल शीट्स का थिकनेस है टी, इंसुलेटिंग लेयर का थिकनेस नहीं। सर सर आप यहाँ पे डियर पार्ट इज नॉट डिफाइंड इन डे कैन बी, उसमें क्या लिखा है? कहाँ पे? सेकंड लास्ट वाला पॉइंट्स, डियर पार्ट इज इडिकरेंट का पॉइंट्स जो लिखा है आपने, उसमें डियर पार्ट इज नॉट डिफाइंड इन डे कैन बी सेंस्ड ओनली बाय पावर लॉस। ठीक है सर। तो सर कोर और लैमिनेशन से प्रिवेंट भी हो रहे हैं सर जी? तो लैमिनेशन से प्रिवेंट भी हो रहे हैं सर, पर रिलेशन समझ नहीं आ रहा सर। लैमिनेशंस का ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा नहीं होने, ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स में डिवाइड करना, ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स में डिवाइड करेंगे तो थिकनेस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, थिकनेस घटेगा, एडी करंट लॉस घटेगा। ओके क्वेश्चन करिए। ट्रांसफार्मर विथ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हैज एडी करंट loss of 100 watt as a eddy current loss of 100 watt if the voltage is reduced to 200 volt या वोल्टेज हटा दीजिए, फ्रीक्वेंसी घटेंगे। इफ द सप्लाई इज चेंज्ड टू 400 वोल्ट 25 हर्ट्ज व्हाट What will be the eddy current loss? Answer बताइए।
200 वाट इज नॉट करेक्ट. आप मशीन पढ़ चुके हैं, आपको तो आंसर सही देना चाहिए. 100 वाट अगम आप 200 वाट लिखा है ना आंसर. हाँ सर, मैं सोचा 200 वाट ही दिए सोचा था. सॉरी. अच्छा अच्छा, तो बात है. बाकी लोग को जो नए हैं उनको एटलीस्ट करने दीजिए उसको. ईटानगर में गर्मी कैसा है अभी? बारिश है. उस दिन बहुत ही तरपती धूप जैसा, अभी पूरा बारिश ही बारिश. सही है. ईटानगर का मेघालय का मौसम काफी मिलता जुलता है शिलांग साइड का भी. एक्चुअली सर वो साइक्लोन के वजह से वाना, जो आसानी साइक्लोन आया ना सर, उसके इफेक्ट ही उसका इफेक्ट. नहीं, ये तो इफेक्ट तो है, लेकिन ये हमने देखा भी था कि वहाँ पे जो रेनी सीजन है अप्रैल एंड से 15 अप्रैल के आसपास से शुरू हो जाता है ना आपका मानसून. मई तो पूरा मानसून रहता है, मई जून, अप्रैल मई जून तो मानसून रहता है. हम लोग इधर जुलाई अगस्त में शुरू होता है मानसून, और तब तक वहां पे बहुत कम हो जाता है. यूपी बहुत बोरिंग है सर. आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए. आंसर आ गया आप लोग का सबका? कोई पुराना स्टूडेंट नहीं है शायद सर. कोई नया स्टूडेंट नहीं है. हाँ लग रहा है. ठीक है, किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछेगा सर. दो को तो मैं जानता हूँ जो नए हैं नाम से. जी सर, तो यहाँ पे लॉस कांस्टेंट रहेगा बोला तो सर कैलकुलेट करके उसको निकालेंगे कि सर सीधा सीधे बोल देंगे कि 100 वाट ही रहेंगे? कैलकुलेट करके भी 100 वाट ही आ रहे हैं. 100 वाट ही आएगा. देखिए मैं सुपर दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तीन तीन चार लोग यहाँ पे नए हैं. नाम से तो मैं दो को पहचान रहा हूँ. के ई कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, ये सब चेंज नहीं हो रहा है. चेंज बी मैक्स में और एफ में होगा. बी मैक्स हमको पता है ई इज 4.44 फाइव एम एफ एन एन वन जो भी है IMFN1, और induced EMF या supply voltage भी constant है. एक मिनट. तो हम IM या Bmax is equal to या proportional to V by F लिख सकते हैं. Bmax का मतलब हो गया V square by F square into F square, ये cancel. WE is proportional to V square. Since voltage is constant, eddy current loss is constant. नया वो voltage change हो नहीं रहा है, 400 volt पहले भी था, 400 अभी भी है. तो ये आपका eddy current loss will be independent of frequency. यहाँ पे नोट लिख सकते हैं आप. इफ वोल्टेज इज वेरिएबल, वोल्टेज अगर वेरी कर रहा है, एडी करंट लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इफ वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, WE is independent of
फ्रीक्वेंसी। पिछले वाले कौन क्वेश्चन का आंसर? नया एडी करंट लॉस भी 100 वॉट ही होगा। नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है सर? ये क्वेश्चन में सर अगर मुझे हेलो सर, अगर सर वोल्टेज को चेंज करके 200 रखा और फ्रीक्वेंसी को 35 प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है, बीमैक्स कांस्टेंट जाएगा और बी वाई सर एफ रेशियो सेम होने से तो सर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ और कांस्टेंट अगर वेरिएबल है, हाँ वोल्टेज अगर वेरिएबल हो गया ना तो आपको फिर पुट करना पड़ेगा, बी बाई एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी बाई एफ अलग निकालना पड़ेगा, एफ अलग निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आएगा। सर वी भी वेरिएबल हो रहा और फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल हो। तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो उसमें वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट ले लिया ना। हाँ कॉन्स्टेंट ले लिया। तो अभी ऐसा भी पॉसिबल है कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट ना हो और वी भी कॉन्स्टेंट ना हो, जैसे आप 300 वोल्ट और 25 हर्ट्ज ले लें तो वोल्टेज तो हाफ नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया, तो नए वाले केस में फिर आपको पुट करना पड़ेगा, बी की जगह वी बाई एफ अलग और फिर एफ अलग, स्क्वायर करके निकलेगा फिर मल्टीप्लाई करके। सर नहीं समझे सर, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं पुराना वाला मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। नए केस में वोल्टेज 300 वोल्ट ले लिया आपने और फ्रीक्वेंसी को 25 ले लिया ना, तो एडी करंट लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, ये 300 बाई 25 होल स्क्वायर, पुराना वाला एडी करंट लॉस WE was 400 by 50 का होल स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, ये था 300 बाई 25 का होल स्क्वायर इंटू 25 का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करिए, W अपॉन WE डैश आएगा और रेशियो से फिर आपको मिल जाएगा। अभी समझे आप? सर समझ गए। हालांकि 25 25 अभी भी कैंसिल ही हो रहा है, इट इज 400 बाय। हिस्टेरेसिस लॉस समझने की कोशिश करते हैं। इट इज ड्यू टू रिटेंटिविटी ऑफ कोर, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, आपने सप्लाई दिया, एक हाफ साइकिल में इधर नॉर्थ इधर साउथ, करंट पॉजिटिव साइकिल में बढ़ती है फिर घटती है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, लेकिन यह फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, पीएच कर्व इज नॉन लीनियर, ऐसे बढ़ता है, ट्रांसफार्मर कभी सैचुरेट नहीं होना चाहिए, तो सैचुरेशन तक हम नहीं जाते, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम करंट होने के बाद करंट घटती है, करंट घटती है तो फ्लक्स जो है
सेम पाथ से रिड्यूस नहीं होता है, कुछ ऐसा रिड्यूस होता है। ग्राफ थोड़ा खराब बना है, दोबारा बनाते हैं। इस तरह से बढ़ाता फ्लक्स लेकिन घटता है दूसरे पाथ से, ऐसे वापस करंट जीरो होने पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं हुआ है। इसको आप कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ कोर। ये हम लोग वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, फील्ड थ्योरी में आप देख चुके थे। ठीक, अब जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है ना, तो कुछ करंट जो है इस रिटेंड फ्लक्स को खत्म करने में कंज्यूम हो जाता है। इसको आप कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक, और उसके बाद यही साइकिल बार बार चलता है। तो आप देखते हैं कि हर साइकिल में हमारा कुछ एनर्जी रिटेंड मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने में कंज्यूम हो जा रहा है, एंड दिस इज कन्वर्टेड टू हीट लॉस। और एवरेज हीट लॉस इन वन साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस बीएच कर्व। क्लियर, ये बीएच कर्व से हिस्टेरेसिस लॉस आपको मिलता है। हिस्टेरेसिस लॉस है क्या? इट ऑकर्स ड्यू टू रिटेंटिविटी ऑफ कोर। कोर की रिटेंटिविटी की वजह से ये लॉस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आफ्टर ईच साइकिल सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू रिमूव रेसिडुअल फ्लक्स, या इसको रिटेन्ड फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉम कोर। दिस इज कन्वर्टेड टू हीट, कन्वर्टेड टू हीट लॉस। ये जो हीट लॉस में कन्वर्ट होता है, दिस इज कन्वर्टेड टू हीट लॉस। ठीक, और इसी को आप क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। इट इज कन्वर्टेड टू हीट लॉस और इसी को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। आगे चलें, सॉरी एडी करंट लॉस बोल रहा हूं मैं। सर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, वही है ना? हाँ, आयरन आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फॉर वन साइकिल एवरेज लॉस इज गिवन बाय एरिया ऑफ BH curve। अब ये एरिया जो है सर्किल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया नहीं है, लेंथ इनटू विड्थ से आप निकाल दें। ये स्पेशल शेप है, आप इसको इंटीग्रेट करके ही निकाल सकते हैं। आप चाहे इंटीग्रेट करके निकालें या वो भी सूटेबल नहीं बनता है, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग मिलता है आपको, टेम्परेचर वगैरह काफी चीज पर डिपेंड करता है। इसको भी प्रैक्टिकली ही निकाला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला वाले मेथड से। इट इज प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड एस हिस्टेरेसिस लॉस को डब्ल्यू एच से दिखाते हैं। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू के एच B max to the power n
एफ वी। बाकी सब कुछ सेम है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। और ये भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, एन दिस इज स्पेशल फीचर, एन इज कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मटीरियल। एन की वैल्यू अलग अलग मिलती है अलग अलग मटीरियल में। सबसे कॉमनली यू जो यूज होता है फॉर सिलिकॉन स्टील, इस पे भी सिलिकॉन का परसेंटेज क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग लगभग एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 आता है। फॉर सी आर जी ओ स्टील एन इज लगभग इक्वल टू 1.2। ये दोनों मटेरियल लेके चलिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सीधे सीधे एन की जगह 1.6 लिख लेते ना तो भी नंबर नहीं कटता है। अगर मेंशन नहीं है कौन सा मटेरियल है, ट्रांसफार्मर कोर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी मेड बाय सिलिकॉन स्टील। आप इसको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत रेयर केस में इसके ऊपर क्वेश्चन जाता है। और बुक में भी कई कई जगह आप देखेंगे के एच बी मैक्स टू द पावर डायरेक्ट 1.6 लिखा रहता है, यहाँ पे एन नहीं लिखा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया है, अब आप एलिजेंस के ऊपर है। इन ट्रांसफार्मर गिवन सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, टोटल कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कह रहा हूं मैं, टोटल आयरन लॉस इज से 100 वॉट इफ सप्लाई इज चेंज्ड टू 400 वोल्ट supply is changed to 400 volt 25 hertz approx iron loss, yeah approx काट दीजिए, new iron loss will be options हैं A equal to 100 watt, B less than 100 watt, C more than 100 watt, option D can not be डिटेल में। आप नहीं कैलकुलेट कर सकते या डेटा इनसफिशिएंट है। सर आयरन लॉस कम ही होगा ना सर, जब तक मैक्सिमम नहीं होगा ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्या, एबीसीडी में से कौन सा? बी होगा सर, लेस देन 100 वॉट। देखिए एक चीज तो पता है, एडी करंट लॉस चेंज नहीं होगा। हाँ तो आयरन लॉस चेंज नहीं होगा।
एडी करंट लॉस चेंज नहीं होगा, हिस्टेरेसिस लॉस पे फोकस करिए। अगर हिस्टेरेसिस लॉस घट रहा है तो पावर लॉस घटेगा, हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ रहा है तो पावर लॉस बढ़ेगा। तो कम हो जाएगा सर, कम हो रहा है कैसे? 1/2 हो जाएगा ना? कैसे 1/2 हो जाएगा? एन का वैल्यू क्या लिया आपने? एडी करंट लॉस कांस्टेंट। हमको फोकस किस पे करना है? केवल और केवल हिस्टेरेसिस लॉस पे। And the hysteresis loss is proportional to B max to the power 1.6 into F, proportional to V by F to the power 1.6 into F, proportional to V constant है, V constant है ना? तो V को हटा दीजिए। It is proportional to F to the power 0.6. Frequency half हुई है ना? इसका value निकाली जरा। 1/2 to the power 0.6. एक मिनट। Value निकाल के बताइए या comment करके बताइए। 6.89 Elephant turn. Yeah. It's on elephant. Baba. 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 Baba
हेलो 1.2 टू द पावर 0.6 कितना आ रहा है? इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा. पॉइंट सिक्स नाइन के आसपास वैल्यू आती है इसकी. हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा तो टोटल लॉस भी घटेगा. न्यू लॉस विल बी लेस देन 100 वॉट. आगे चलें. Now, the other two losses are this third loss. Yes. Sir, अगर frequency बढ़ता तो बढ़ता है ना hysteresis. हाँ बढ़ता बढ़ता. The other two losses are third one is आपका loss. डायलेक्ट्रिक लॉस कहाँ पे होगा? लोकल इन डायलेक्ट्रिक ऑफ ट्रांसफार्मर. डायलेक्ट्रिक या इंसुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. इट इज मोस्टली द ट्रांसफार्मर ऑयल. ठीक, नोट कर लीजिए इसको. इट इज इट अकर्स इन डायरेक्ट्रिक या और इंसुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोस्टली ट्रांसफार्मर ऑयल, क्योंकि मोस्टली ट्रांसफार्मर ऑयल. ठीक, अब इसका रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर एट अदर या डिफरेंट पोटेंशियल लेवल. जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है. ठीक, ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं. वी वन वी टू वोल्टेज लेवल अलग अलग होता है. बीच में क्या है? इंसुलेशन. या ट्रांसफार्मर ऑयल. इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डायलेक्ट्रिक है, इंसुलेशन है, करंट फ्लो नहीं करना चाहिए. जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है. ना तो कोई परफेक्ट कंडक्टर होता है, ना कोई परफेक्ट इंसुलेटर होता है. कोई परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी. करंट फ्लो करेगी तो हीट लॉस होगा. दैट इज डायलेक्ट्रिक लॉस. मैं अगेन बताता हूँ, कुछ बुक्स में इसमें लॉस टेंजेंट और कई तरीके से इसको कैलकुलेशन का कोशिश किया गया है. लेकिन आप खुद भी जेन्युइनली सोचेंगे अगर ये किसी अच्छी बुक को रेफर करेंगे. These losses cannot be theoretically calculated. एक तो ये बहुत small होती हैं, दूसरा ये ऐसा produce होती हैं कि इनको आप खुद calculate नहीं कर सकते. Transformer oil की properties, temperature, humidity कई चीज़ों पर depend करती है. तो इसको calculate नहीं कर सकते theoretically. ये पहला आप जो है point है. तो दूसरा ये बहुत small है तो calculate करने का जरूरत भी नहीं है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं. क्वेश्चंस, नन ऑफ द इंसुलेशन इज परफेक्ट सिंस नो इंसुलेटर इज परफेक्ट. देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम लीकेज करंट. हमेशा कुछ ना कुछ लीकेज करंट रहता है जो इंसुलेटर से पास करता है. ठीक, एंड ड्यू टू दिस देयर इज पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है. इट कैन नॉट बी थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड सिंस इट
depends on various practical factors. कई practical factors पे depend करता है ये. Also, it is very small and ये क्या हुआ? स्क्रीन छोटा हो गया बीच में. Very small and not included in any calculation. तब efficiency या voltage regulation या कुछ भी निकालते समय इसको include ही नहीं करना है तो इसका formula निकालने का जरूरत क्या है? कुछ books ने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, जरूरत भी नहीं है इसका. आपको निकालने की जरूरत नहीं है. आप बस नाम और प्रॉपर्टीज जान लीजिए और कितना होता है बस ये जान लीजिए, इतना काफी. लास्ट वन इज चौथा आपका जो लॉस है वो फोर्थ लॉस इज कौन सा लॉस बचा? स्ट्रे लोड लॉस. स्ट्रे लोड लॉस होता क्या है? ट्रांसफार्मर का फीचर देखें तो ट्रांसफार्मर के पास हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में ट्रांसफार्मर कोर है. एक मिनट, हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है. कोर के पास उसके ऊपर वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग. लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, आप जानते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा बना सकते हैं. वाइंडिंग से प्रोड्यूस होता है फ्लक्स. फ्लक्स का काम क्या है या कोर का काम क्या है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना ताकि सारा का सारा फ्लक्स कोर में रहे. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है. इसका रिलक्टेंस पाथ का रिलक्टेंस जो है कम है, जीरो नहीं है. ठीक, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स कोर के बाहर लीक करेगा. एक्चुअल में लीकेज फ्लक्स नहीं है, हो सकता है सेकेंडरी वाइंडिंग कट कर रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स कोर से बाहर जाता है या लीक करता है कोर से. और ट्रांसफार्मर में देखिए बाहर की तरफ और भी आयरन पार्ट्स होते हैं, उसका खुद का टैंक है और कई सारी चीजें लगी हैं जो लोहे की बनी हुई है. मैग्नेटिक फील्ड को ही आयरन अट्रैक्ट करता है या चेंजिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सब पार्ट को भी कट करेगा. ठीक, अदर आयरन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वहां पे भी आयरन लॉस होगा. इस तरह के लॉस को स्ट्रे लोड लॉस कहते हैं. ये अतिरिक्त लोड की तरह शो करता है एक दूसरे को, बिहेव करता है. ठीक, पहला पॉइंट क्या है? इट ऑकर्स ड्यू टू द फ्लक्स विच लीक फ्रॉम, क्योंकि लीक होता है कहां से? ट्रांसफार्मर कोर. ट्रांसफार्मर कोर से लीक होने वाले फ्लक्स से ये लॉस होता है. ठीक, दूसरा पॉइंट. ठीक, दिस लीकेज फ्लक्स, ये जो लीकेज फ्लक्स है ये कट करता है अदर आयरन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर. कट्स the other iron parts of transformer.
आ गया। एंड प्रोड्यूस लॉसेस, तो इनको आप स्ट्रे लोड लॉस कह सकते हैं। अगर इन आप जानते हैं कि लीकेज फ्लक्स पहले ही बहुत कम होता है, जो लीकेज फ्लक्स है ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ पे होने वाले लॉसेस भी बहुत स्मॉल होंगे, ट्रांसफार्मर पार्ट्स दूर भी हैं। ठीक, तो अगेन ये लॉस कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स भी बहुत कम होता है और ये पार्ट्स दूर दूर भी हैं, तो ये स्ट्रे लोड लॉस इन मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉस इज वेरी स्मॉल एंड नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी कैलकुलेशन। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एनी किसी भी कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं। तो अब देखिए, हमारे पास टोटल चार तरह के लॉस हुए। पहला लॉस हुआ कौन सा, कॉपर लॉस, जो कि लोड पे डिपेंड कर रहा है, उसको आप वेरिएबल लॉस कहते हैं। दूसरा लॉस कौन सा था, कॉपर लॉस। ये लॉस किस वजह से होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। आप जानते हैं नो लोड से फुल लोड तक मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर कोर का कॉन्स्टेंट रहता है, यस और नो? यस, कांस्टेंट रहता है, तो ये लॉस भी कांस्टेंट रहेगा। लोड के साथ आयरन लॉस चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और, सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है आयरन लॉस। हम लोग हमेशा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट लेते हैं। एक बार ट्रांसफार्मर लग गया कहीं पे तो उसका वोल्टेज सप्लाई फिक्स रहेगा, आउटपुट चेंज हो सकता है बस। वंस सप्लाई वोल्टेज इज फिक्स्ड, केवल लोड वेरी करता है ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो क्योंकि सप्लाई वोल्टेज फिक्स है तो आयरन लॉसेस कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कांस्टेंट, स्ट्रे लोड लॉसेस कांस्टेंट। ये चारों लॉस में से केवल कॉपर लॉस वेरिएबल होता है विथ लोड, बाकी तीन लॉस कांस्टेंट लॉस होते हैं। तो कहीं आपको लिखा रहेगा ना वेरिएबल लॉस इन कांस्टेंट लॉस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वेरिएबल लॉस का मतलब कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस का मतलब कोर लॉस प्लस डायलेक्ट्रिक लॉस प्लस स्ट्रे लोड लॉस। तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, ओनली कॉपर लॉस इज वेरिएबल विथ लोड, आयरन लॉस, आयरन लॉस का मतलब उसको आप पी आई से दिखाते हैं, इसमें कौन कौन सा लॉस आएगा, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, कॉमा डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रे लोड लॉस। Does not change with load. Load के साथ ये सब change नहीं होते। तो अगर कहीं आपको transformer में लिखा मिले variable loss, तो उसका
का क्या मतलब हुआ? इट इज कॉपर लॉस ओनली. अगर आपको लिखा मिले कॉन्स्टेंट लॉस, इसका मतलब क्या हुआ? आयरन लॉस प्लस डाइलेक्ट्रिक लॉस प्लस स्टेडो लॉस. बहुत ही ज्यादा अगर फाइन कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से करते हैं, नहीं तो कांस्टेंट लॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉस होता है. इन दोनों को इग्नोर कर दिया जाता है फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन एंड नॉर्मल प्रोसेसेस. बट दिस इज ऑल अबाउट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. जितने क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं. लास्ट टाइम के कंपैरिजन में एक टॉपिक हमने इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाया है, क्योंकि मेंशन तो नहीं होता लेकिन हमने भी जो रिसर्च किया जो पाया है, इस अगर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से कोई भी लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी आयरन लॉस में ही इंक्लूड होगा, लेकिन वैल्यू इतनी कम होती कि जनरली इंक्लूड नहीं करते. यही डिफरेंस था आज की क्लास में और लास्ट वाली, इससे पहले जब हमने मशीन की क्लास ली थी उसमें वो चीज़ हमने इंक्लूड नहीं की थी. कोई डाउट है? आगे चले सर. जी सर, दिस लीकेज फ्लक्स कट्स अदर आयरन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर. मतलब ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग और कोर के अलावा और भी पार्ट्स होते हैं ना? आयरन पार्ट्स, जितने पार्ट होते हैं सब आयरन से ही बने होते हैं. ट्रांसफार्मर का टैंक तो देखा होगा ना, बाहर का जो टैंक कवर होता है वो भी आयरन से बना होता है. तो वो लीकेज फ्लक्स जो उसको कट करता है. हाँ करता है. ठीक है सर. आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, तो ये जो लीकेज फ्लक्स कोर से लीक हुआ है वो इन सब पार्ट से अट्रैक्ट होगा. अट्रैक्ट होगा तो उनको कट करेगा, उधर की तरफ जाएगा तो कट करेगा तो फिर उनमें लॉसेस प्रोड्यूस करेगा. अब इतना स्मॉल होता है कि आप इंक्लूड नहीं करिए इसको, चलेगा. आगे चले. ठीक है आगे चलें. यस सर. एफिशिएंसी कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, 1157 हो गया है. एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे अभी, अगर स्टार्ट भी करते हैं तो आधा एक घंटा लग जाएगा. कंट्रोल सिस्टम की क्लास के लिए मैसेज भी आ रहा है तब से. हम लोग 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. 30 मिनट के ब्रेक के बाद एकदम शार्प टाइमिंग मत मानिएगा, थोड़ा बहुत 3-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वो नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा और फिर कंट्रोल सिस्टम भी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक, मैं मैसेज करता हूँ आपको ग्रुप का. सर अभी आपका क्लास. जी हेलो सर, थोड़ा सा एक चीज पूछो. हाँ पूछिए ना सर. ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ना. हाँ ये सोर्स है ना सर, रेस्पॉन्स यहाँ पे है ना. सर यहाँ पे सर ये अगर एक कैपेसिटर है या कैपेसिटर है तो इसको भी हम लोग बाद में चेंज नहीं करेंगे ना, बस रेस्पॉन्स को. नहीं 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 सर, यहाँ कभी कभी वो हो जाता है ना सर, वोल्टेज सोर्स वगैरह. एक मिनट रुकिए जरा.
सर रेस्पॉन्स अक्रॉस कैपेसिटर बोलेगा तो तब भी कैपेसिटर को चेंज नहीं करना ना। ट्वेंटी के वी ए 2000 by 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज नेम प्लेट लीकेज इम्पीडेंस। नेम प्लेट मतलब नहीं है, लीकेज इम्पीडेंस ही दिखाया है 8%। एक मिनट प्लीज होल्ड करिएगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहाँ गया यार, हैज नेम प्लेट लीकेज इम्पीडेंस of 8%. Now voltage required to be applied on HV side to circulate full load current with the LV winding short circuit. सॉरी, हमको वोल्टेज कहाँ पे लगाना है? एचवी साइड। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए सर? इसमें जो बोला वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन एचवी साइड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट, तो सर फुल लोड करंट जो वो जन प्राइमरी का पूछ रहे हैं, एक चीज आप लिखे ना, दोनों अगर एक तरफ फुल लोड करंट है तो दूसरी तरफ भी फुल लोड करंट फ्लो करेगी। हाँ सर वो तो है। ठीक, रेटेड करंट ऑन या फुल लोड करंट ऑन एचवी साइड आई इक्वल टू कितना होगा? 20,000 upon 2,000 20,000 kVA upon 2,000 2,000 volt ही है ना? क्वेश्चन सही नोट किया है ना? हाँ सर क्वेश्चन ठीक है। इट इज 10 एम्पियर। टेन एम्पियर इतना करंट चाहिए आपको। परसेंट जेड, अब आर और एक्स अलग अलग नहीं दिया है, टोटल इम्पीडेंस दे दिया, परसेंट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस दैट इज 8%, 8% ऑफ जेड बेस। एच वी साइड पे निकालना है इसको क्योंकि आप वोल्टेज एच वी साइड पे लगाएंगे ना, इट विल बी 8 upon 100 इनटू बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस कितना है, वोल्टेज कितना है 2000 एस वे वी स्क्वायर, करंट कितनी है 10, एस वे वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा या वी स्क्वायर बाय एस निकालनी है ना, इट इज 1, 2, 3 कितना है 16 ohm, इम्पीडेंस कितना आ गया 16 ohm आ गया ट्रांसफार्मर का एक्चुअल इम्पीडेंस।
और हमको करंट कितना चाहिए 10 एम्पीयर चाहिए. नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑन एचपी साइड लो एलवी साइड शॉर्ट सर्किट है तो लोड का इंपेडेंस जीरो. आप एचवी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो भी इंपेडेंस जीरो लोड का. इधर लगाया आपने सप्लाई वी वन इंपेडेंस है 16 ओम. यहाँ पे भी पैरेलल में इंपेडेंस आता है पैरेलल ब्रांच वाला और ये है शॉर्ट सर्किट. अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. पैरेलल ब्रांच को हटा दीजिए. उस पैरेलल मतलब सर कोर कोर का बनना उस पैरेलल मतलब सर ये का कोर कोर का लॉस को ना. हाँ तो जो भी है उसके अक्रॉस अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो पैरेलल ब्रांच का इंपेडेंस इग्नोर हो जाएगा ना. V1 upon Z is equal to सिक्सटीन ओम इम्पीडेंस. बहुत ज्यादा इम्पीडेंस आ रहा है ऑप्शन में है क्या. ऑप्शन में है सर. हाँ सही है फिर आंसर सही है. और सर सेकेंडरी क्या बोलते सेकेंडरी का सर कैलकुलेट होगा ना सर क्या एलवी साइड का. एलवी साइड अगर यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट है तो उधर में 100 एम्पीयर जाएगी ऑटोमेटिकली. वोल्टेज हाफ 1/10 हुआ है ना करंट 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्राइमरी साइड पे अगर रेटेड करंट है सेकेंडरी साइड पे भी रेटेड करंट ही होगा. ठीक है सर. ठीक और कोई डाउट नहीं है ना. ओके सर थैंक यू.